हाय नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं कामना आप सबसे रूबरू हूँ। कैसे हैं आप सब? मैं ऑल व्यूअर्स एंड अच्छे लगते हैं कभी कभी इस तरह से कनेक्ट हो। जैसे मैं ट्राई करती हूँ कि मैं लाइव आऊँ अपने वीडियोज में, बट वो अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा। बट आई ट्राई कि बहुत अच्छी बात होती है ना जब हम लाइव होते हैं। सो लोगों का ओपिनियन पता चलता है, लोग कमेंट्स करते हैं, लोग कनेक्ट होते हैं डायरेक्टली। सो यू नो मेरा यूट्यूब चैनल है एंड मैं बस उसी के लिए काम करती हूँ। सो नाउ आई एम एट होम एंड मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से इस तरह से कनेक्ट हों। सो अभी चुनाव चल रहा है यू नो लोकसभा का, एंड हर कोई बिजी है उसी में, हर तरफ उसी की चर्चाएं हैं, मीडिया पब्लिक बहुत उत्सुकता रहती है इसे जानने की। बहुत इंटरेस्टिंग होता है, लोकसभा का चुनाव है जो कि हमारी केंद्र सरकार है, हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। और ये तब तक एक उत्सुकता बनी रहती है जब तक कि रिजल्ट नहीं आ जाता फाइनल, किसकी सरकार आने वाली है। सो किसकी आने वाली है तब तक केवल अनुमान लगा सकते हैं। कुछ भी कहो, ये चुनाव इतना इंटरेस्टिंग हो जाता है। और ख़ासकर जो हमारी मीडिया, जो हमारे नेता, अच्छी बात ये भी है कि हर कोई अभी तो अपना ओपिनियन रख पा रहा है, और सोशल मीडिया आने के बाद तो हर कोई अपनी बात कह पा रहा है। एंड ये इतना बड़ा चुनाव होता है जिससे कि जिसमें एक एक वोट का महत्व होता है, और हर एक एक नागरिक का दायित्व भी बनता है कि वो जाकर वोट डाले, वोट करें, क्योंकि सबसे बड़ा जो अधिकार होता है हमारा वो है वोट। सो कभी भी हमें वोट से वंचित नहीं होना चाहिए। हमें जो भी हमारा मनपसंद नेता है, जो भी हमारा मनपसंद कैंडिडेट है, सो वो कोई भी पार्टी का हो सकता है, वो कोई भी कैंडिडेट हो सकता है, सो उसे वोट तो करनी चाहिए। ये तो मैं कहूँगी इस पर। एंड अच्छा है, बाकी नेता तो नेता ही होते हैं, सरकारें आती हैं जाती हैं 5 साल। वैसे मेरा विचार ये है कि हमें लगता है कि हर 5 साल में सरकारें चेंज होनी चाहिए। अगर हर 5 साल में सरकारें चेंज होंगी तो शायद कोई ये नहीं कह सकता कि वो आकर के सत्ता में बैठने के बाद फिर वो एक जिम्मेदारी लेगा कि मुझे काम करना है, पब्लिक के लिए काम करना है, अच्छे से काम करना है। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी गवर्नमेंट, जस्ट दिस इज माय ओपिनियन। हर किसी का अपना ओपिनियन हो सकता है, और मैं तो कहूँगी कि अगर आप लोगों का जो भी ओपिनियन है वो भी आप मेरे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं मैसेजेस के थ्रू। अगर आपको लगता है ऐसा कि हाँ वाकई अगर ऐसा होना चाहिए कि जो हमारी सरकारें हैं वो हर 5 साल में चेंज होनी चाहिए। एक ही सरकार को हम कई वर्षों तक उसी को जिताते रहते हैं, तो हर 5 साल में चेंजेज पता चलता है ना कि कौन कैसा काम कर रहा है। हर किसी का काम पता चलता है उससे कि कौन काम अच्छा कर रहा है, किसका काम अच्छा था। तो हर किसी को लोकतंत्र ओके खैर ये तो दिस माय ओपिनियन। हम बात करते हैं कि लोकसभा का चुनाव चल रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है कि मई में इसका रिजल्ट आ जाएगा फाइनली। आचार संहिता लगा है सब कुछ है। हर एक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपना वोट डाले, अपने अधिकार का इस्तेमाल करें, लोग निकले, लोग चीज़ों को समझें कि अभी सबसे बड़ा जो हमारा मुद्दा है वो मुद्दा है कि महंगाई,
बेरोजगारी एंड सुरक्षा एंड खासकर वुमेंस के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि उनकी क्या की है, कोई भी गवर्नमेंट आती है तो उनके लिए क्या करती है, उनके सेफ्टी का ध्यान में रखा जाता है, उनकी सुरक्षा के लिए बात की जाती है और शिक्षा हेल्थ इसका मस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है ना, कि जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे हम अपने अधिकारों को नहीं समझ पाएंगे। और हमारे भारत जैसे देश में तो मुझे लगता है कि अभी भी 50% लोग हैं जो अशिक्षित हैं गांवों में। हम चले जाएं अगर तो भारत तो पूरा गांवों का ही देश है और वहां पर जब हम जाते हैं तो देखने को यही मिलता है कि लोग अभी भी अशिक्षित हैं, अभी भी शिक्षा से कोसों दूर है। और शायद वहां बहुत उन्हें जागरूक करने की ज़रूरत है और ये शायद पॉसिबल नहीं है कि इतना जल्दी हो जाए, फिर भी शायद सरकारों को जो होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हो पाया और कुछ नहीं करना चाहिए कि हर इंसान का, हर एक नागरिक का अधिकार है कि वो शिक्षित हो और उसके लिए एक जागरूकता की ज़रूरत है, उन्हें उस सुविधाओं की ज़रूरत है कि उन तक पहुँच भी है। तो इस तरह से ये बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव होता है और लोग तो अल्टीमेटली एक नैरेटिव तय होता है और लोग उसी मुद्दे पर जा करके और वोट करते हैं। पर मेरा ओपिनियन है कि हमें बहुत सोच समझ कर अपने अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। हम कर सकते हैं, हमारा अधिकार है, हम इस देश के नागरिक हैं, हमारा अधिकार है कि हम किसे चुनते हैं, हमें क्या पसंद है। हम अल्टीमेटली बात करते हैं कि लोकसभा क्या है, तो हम मेन मुद्दा हमारा यही है कि लोकसभा के बारे में हम बात करें। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि विधानसभा क्या है एंड लोकसभा क्या है। लोकसभा वो है जिसमें सांसद चुने जाते हैं और वो सांसद चुन करके जब दिल्ली पहुंचते हैं, लोकसभा में पहुंचते हैं, जो हमारी लोकसभा है वो दिल्ली में है, और वहाँ पर पहुँचने के बाद फिर प्रधानमंत्री का चुनाव होता है कि किसकी सरकार बनने वाली है, किसके सांसद सबसे ज़्यादा जीत कर आए। तो इस हिसाब से हमारी सरकारें बनती हैं। लोकसभा भारत की संसद जो कि राज्य से बड़ी होती है, लोकसभा का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। लोकसभा के क्षेत्र में निर्धारित रहता है जहाँ से एक प्रतिनिधि को चुना जाता है जो कि लोकसभा का सांसद बनता है। एंड जो लोकसभा का सांसद बनता है, सांसद कम से कम 5 साल के लिए चुना जाता है और ये 1945 से शुरू हुआ जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद जो हमारा संविधान बना एंड दस अभी तक जो हुआ 1947 से आज़ादी के बाद अब तक 16 बार लोकसभा गठित हो चुकी है। एंड लोकसभा के सभी सदस्यों की जो मीटिंग होती है वो दिल्ली सांसद भवन में होती है। सो इस तरह से ये चीज़ें मुझे लगता है कि लोगों को कम पता है, और एंड बहुत जो लोग शिक्षित है, ग्रेजुएट है, उन्हें पता है। बट अगर हम अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं अपने भारत में तो लोगों को सही मायने में बस उन्हें एक नैरेटिव दे दिया जाता है और लोग उसी के आधार पर जो मुखिया होते हैं वो वोट करने जाते हैं, वो एक तय किया जाता है। और उस आधार पर आई एम बिलोंग फ्रॉम विलेज सो आई नो वेरी वेल कि वहाँ के हालात कैसे हैं। अभी भी कोई बहुत सुधार नहीं हुआ एंड अभी भी उन्हें बहुत जागरूकता की ज़रूरत है कि वो अपने अधिकारों को, अपने वोट को समझें, वो सही प्रत्याशी चुनें, तो ये सारी चीज़ें, और वो जाने की है क्या हमारे अधिकार क्या है, हमारे अधिकार क्षेत्र में क्या क्या आता है, हम एक देश के नागरिक हैं और हमारा अधिकार क्या है। और ये बहुत जानना ज़रूरी हो जाता है कि जो हमारे ये जो हमारा लोकसभा का चुनाव है वो क्या है और कैसे सांसद कैसा है, विधायक कैसा बनता है। तो जो हमारा विधानसभा होता है वो विधायक चुने जाते हैं जो राज्य के होते हैं, और जो सांसद होते हैं वो लोकसभा के लिए चुने जाते हैं और फिर वो यहाँ पे आते हैं दिल्ली लोकसभा में। तो इस तरह से हमारे जो सांसद हैं जो चुनकर आते हैं, जो डायरेक्ट जनता द्वारा चुने जाते हैं, डायरेक्ट हम जो वोट डालते हैं उस
वोट से वो चुने जाते हैं और उसके बाद वो दिल्ली पहुंचते हैं। तो लोकसभा में कम कुल जो टोटल सीटें हैं वो 552 सीटें होती हैं, जिसमें से 530 मार्वल देश के विभिन्न प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बाकी बचे हुए 220 सदस्य जो होते हैं वो केंद्र शासित प्रदेश या राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। आज के समय में लोकसभा में 545 सीटें हैं, जिनमें से 2 सीटें एल्गो भारतीय समुदाय के लिए सुरक्षित रखी जाती हैं। राज्य की जनसंख्या के आधार पर वहाँ इनकी सदस्यता निर्धारित की जाती है। लोकसभा की 331 सीटों में से 84 जो होती हैं वो SC व और 47 जो होती हैं 47 वो ST के लिए आरक्षित की होती हैं। जिस सम्मान नई सरकार बनती है उस समय लोकसभा की जो सीटें होती है वो पहली बैठक होती है, लोग चुनाव होने के बाद पहली बैठक होती है जो दिल्ली में होती है, वहीं जाने वाले 5 सालों के लिए वो तारीख वो एक जो उनका एक शपथ जो ग्रहण होता है वो सब वो एक निर्धारित होता है। अभी जो हमारा ये 2014 का चल रहा था वो अभी तक 16वीं लोकसभा की और ये जो अभी आएगी वो 17वीं होगी। तो इस तरह से जो 1947 से जो अभी तक हमारी जो लोकसभाएं होती आई हैं वो अभी ये 17वीं लोकसभा होगी जिसके लिए चुनाव हो रहा है। तो इस तरह से लोकसभा जो हमारे सांसद बनते हैं और इस तरह से हमारा प्रधानमंत्री जो हमारे चुने जाते हैं, केंद्र में जो हमारी सरकार आती है जिसके हाथ में सत्ता होती है, जो पूरे देश का पूरे भारत का जो मालिक से कहते हैं मतलब जो एक मेन है मुखिया है जो इसे संभालता है, जिसके हाथ में गद्दी मतलब मेन गद्दी जो होती है वो उसे मिलती है। तो इस तरह से और भी मैं कुछ जानकारियां हैं जो आप लोगों से शेयर करती हूँ कि जैसे भारतीय लोकसभा को 1857 से 1947 तक ब्रिटिश सरकार ने चलाया एंड भारतीय स्वतंत्र जब हमें स्वतंत्रता मिली उसके बाद 18 जुलाई 1947 में ब्रिटिश सांसद द्वारा ये पारित किया गया, जिसमें 2 स्वतंत्र राष्ट्र बने, पहला पाकिस्तान ये हमारा हिंदुस्तान भारत एंड पाकिस्तान। तो इस तरह से वो 2 देश बन गए एंड पाकिस्तान होने के बाद कही गई थी कि इस अधिनियम के अनुसार इन स्वतंत्र देशों को ब्रिटिश सियासत के नियम के अनुसार तब तक चलाना होगा जब तक कि ये अपने देश का संविधान स्वतः नहीं लागू करते थे। इससे पहले तक जो हमारी लोकसभा चल रही थी वो ब्रिटिश द्वारा चलाई जा रही थी। फिर इसके बाद जब ये दोनों देश अलग 2 देश बने, पाकिस्तान बना, तब तक के लिए ये कहा गया कि ये जो हमारे जो अधिनियम है जो इन्हें थोड़ा वक्त दिया जाएगा और जो जो हमारा संविधान लिखा जा रहा था बनाया जा रहा था उसके लिए ये था कि जब तक ये कंप्लीट नहीं होता तब तक वो वही चीज़ें चलेंगी जो कि जो ब्रिटिश का लोकसभा था वो चल रहा था। तो इस तरह से कही गई थी कि इस अधिनियम के अनुसार इन स्वतंत्र देशों को ब्रिटिश सियासत के नियम के अनुसार तब तक चलना होगा, ये बातें सब कही गई। उसके बाद संविधान लागू होने के बाद जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1949 को हुआ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारा संविधान कब लागू हुआ, वो हुआ था एक्चुअली जिसकी डेट है वो है 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसके बाद इसके बाद जब भारत का संविधान ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया जिसके बाद से भारत का एक संपूर्ण लोकतंत्र राष्ट्र बन गया। इसके बाद से भारत स्वतंत्र रूप से अपने नियमों के अनुसार काम करने लगा, क्योंकि इससे पहले तक जो काम होते थे वो ब्रिटिश शासन के अधीन में होते थे, ब्रिटिश शासन की जो लोकसभा थी वो लगती थी। तो इस तरह से हमारा ये हुआ और भारत के संविधान के अनुसार भारत की संसद में यहाँ का एक राष्ट्रपति
लोकसभा व राज्यसभा का गठन होना अनिवार्य है एंड 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच देश में पहली बार आम चुनाव आयोजित किया गया था, जिसके बाद पहली बार 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा गठित की गई। तो इस तरह हमारे जो पहला आम चुनाव हुआ था उसमें लोकसभा के सदस्य चुने गए एंड सीधे भारत देश की जनता के द्वारा वो डायरेक्ट चुनाव कराया गया था, वो पहली बार हुआ था। इस तरह से हमारा ये लोकसभा, उसमें जब सारे सांसद चुन के आते हैं और जिसमें जिसकी सरकार होती है उसमें फिर उन जो जो सांसद होते हैं वो चुनते हैं कि हमारा उसमें जो स्पीकर होता है वही चुन कर लाते हैं, उसमें स्पीकर कौन होगा हमारा।